यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, जहां पर मैंने आपको कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कहाँ होता है ये समझाया था। कंट्रोल यूनिट को दो तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन, ये भी पढ़ा था। इसी के साथ हमने उसको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट की सिक्वेंसिंग देखी थी। सिक्वेंसिंग इज लाइक द इंस्ट्रक्शन साइकिल कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जनरली किस तरह के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, जबकि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन किस में यूज होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्योंकि हमने हार्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड का माइक्रो प्रोग्रामिंग सिक्वेंसिंग देख रखी है, तो आज हम एसपी ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, लैपटॉप कंप्यूटर्स में, मोबाइल कंप्यूटर्स में आपके पास एक ऐसा प्रोसेसर है जो एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कंट्रोल यूनिट होगा वो हार्ड वायर्ड ही होगा और उसके साथ वो इसी इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड सीक्वेंसिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। देखिए, मैं सिर्फ डिजाइन नहीं पढ़ सकती यहां पर, मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि आपको डिजाइन समझाता है पर उस डिजाइन की एप्लीकेशन भी बताता है। तो इसीलिए हमने माइक्रो प्रोग्राम्ड का परफॉर्मेंस देख लिया, तो अब हमें हार्ड वायर्ड की भी परफॉर्मेंस देखनी है कि कंट्रोल यूनिट अगर एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेसर है तो कैसे स्टार्ट करता है और कैसे एंड करता है। देखिए, कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर का, इट इज लाइक द मैनेजर, कंट्रोलिंग मैनेजर। जब तक वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट नहीं करेगा, एएलयू कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट को डायरेक्शंस मिलना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेप पे उसको क्या सिग्नल्स जनरेट करने हैं। तो इसीलिए हम इसको एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एसपीओ प्रोसेसर कैसे कंट्रोल यूनिट को साइकिल कंप्लीट करवाता है। तो देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम इनिशियली सीक्वेंस काउंटर को जीरो पे रखते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन पूरा समझाया था, मैंने आपको बोला था कि वहां पर हम 4 बिट का सीक्वेंस काउंटर यूज करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था 16 टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है वो कंट्रोल यूनिट हार्ड वायर्ड, तो जाहिर सी बात है चार चार के सेट में करेगा 16 टाइमिंग सिग्नल। तो चार चार का जो सेट है वो सीक्वेंस काउंटर जनरेट कर रहा है। तो इनिशियली सीक्वेंस काउंटर को हम जीरो पे रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर एड्रेस लोड करेगा किसका, करंट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है प्रोसेसर में। प्रोग्राम काउंटर जनरली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इफ माई इंस्ट्रक्शन इज ओनली द फर्स्ट वन, तो ऑब्वियसली बात है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ही एड्रेस रजिस्टर में दे देगा कि अब वो बोलेगा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी के इस एड्रेस पर है, आप वहां पर जाओ और उस इंस्ट्रक्शन को लोड कर लो। लेकिन उसके लिए आपके पास एक टाइमिंग सिग्नल मैं दे रही हूं, विच इज T0। एज आई सेड यू अर्लियर, देयर आर 4 टाइमिंग सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो पहला टाइमिंग सिग्नल एड्रेस लोड करने के लिए हो गया है, खत्म। उसके बाद आगे बढ़कर जैसे ही एड्रेस आ गया, उस एड्रेस पर आपको क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा। वो एड्रेस किसका होता है, मेमोरी का होता है। तो मैं मेमोरी के पास जाऊंगी, उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को उठाऊंगी और वापस आके प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड कर लूंगी। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मैं और एक टाइमिंग सिग्नल दूंगी उसको, जिसको मैं कहती हूं T1। और जैसे ही मैं ये करूंगी, जाहिर सी बात है ना, एड्रेस रजिस्टर तो खाली हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस एड्रेस इज ऑलरेडी फेच्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि वो अब खाली हो चुका है, तो मैं प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करके रख लूंगी कि जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा पीसी अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के साथ रेडी रहेगा टू लोड इनटू AR। ये सारा प्रोसेस भी मैं इसी टाइमिंग सिग्नल में करूंगी,
तो मतलब T1 टाइमिंग सिग्नल में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन को लोड करना IR में, और दूसरा हिस्सा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को PC में लोड करके रेडी रखना। तो ये सब कुछ आपका T0 T1 में हो गया। T0 में एड्रेस फेच हो गया, T1 में एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड हो गया। अब उसके बाद T2 पे क्या करूंगी, इंस्ट्रक्शन आ चुका है IR में। आप हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का डिजाइन फिगर याद कीजिए, जैसे ही IR में इंस्ट्रक्शन आ गया डिकोडर को दे देती हूं मैं वो। क्यों? क्योंकि डिकोडर ही तो जनरेट करेगा आगे डिकोड करके कंट्रोल सिग्नल्स। तो डिकोडर के पास चला गया, डिकोडर के पास जब चला गया तो ये एक टाइमिंग सिग्नल लेगा डिकोड होके पता करने के लिए कि फाइनली उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आया है वो किस तरह का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे, वो मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे या रजिस्टर से रिलेटेड करे या IO से रिलेटेड करे। आपको याद होगा मैंने आपको तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए थे, रजिस्टर रेफरेंस, IO रेफरेंस और आपका मेमोरी रेफरेंस। मैंने आपको बोला था कुछ एड्रेसेस हैं जैसे 0 to 6, 8 to capital E, ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। 0 to 6 मेमोरी डायरेक्ट है, 8 to capital E मेमोरी इनडायरेक्ट है, मतलब इंडिकेशन मिलता है किसको, मेरे कंट्रोल यूनिट को कि ये मेमोरी डायरेक्ट का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करो, ये मेमोरी इनडायरेक्ट का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करो। अगर OP कोड 777 आया तो इसका मतलब ये रजिस्टर रेफरेंस है, अगर 111 आया तो मतलब ये IO रेफरेंस है। मैंने ये समझाया था आपको, वो तो बाद में होता है, पहले डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग के लिए एक टाइमिंग सिग्नल हम लेते हैं और जैसे ही डिकोडेड बिट आता है तो यहां पर चीजें और क्लियर होती जाती है कि मेरे कंट्रोल यूनिट के पास किसकी जिम्मेदारी है, उसको मेमोरी डायरेक्ट का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है या उसको मेमोरी इनडायरेक्ट का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है या फिर उसको इस तरफ रजिस्टर का जनरेट करना है या फिर IO का जनरेट करना है। तो ये जो है ये टाइमिंग सिग्नल T3 पे चलता है। T3 मतलब द लास्ट टाइमिंग सिग्नल, अब मतलब एंड है, इसके बाद मेरे पास सीक्वेंस काउंटर फिर रीसेट हो जाएगा, अगर कुछ रह गया हो तो उस अगले साइकिल में आएगा। तो मतलब ऐसे बैचेस में मैं छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करके बाहर आती हूं प्रोसेसर से, इसको हम कहते हैं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज फेच, दिस स्टेप्स T0 T1 आर कॉल्ड एज फेच फेज ऑफ माई इंस्ट्रक्शन साइकिल, बिकॉज वी आर फेचिंग द एड्रेस, वी आर फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट एड्रेस, सो दीज टू कम अंडर फेच फेज। फेच फेज टेक्स टू टाइमिंग सिग्नल्स, T0 एंड T1। नेक्स्ट इज डीकोड फेज, डीकोड फेज टेक्स वन टाइमिंग सिग्नल टू डीकोड एंड अंडरस्टैंड वेदर आई शुड गो जनरेट मेमोरी कंट्रोल सिग्नल और आई शुड जनरेट रजिस्टर और IO, दैट इज डीकोडिंग, इट टेक्स वन टाइमिंग सिग्नल T2। वंस इट इज डीकोडेड एंड इट जनरेट्स द टाइमिंग सिग्नल, देन ऑब्वियसली बात है एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि अब फाइनल स्टेज है, अब ALU के पास ये चीज पहुंच जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूट फेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट वी कॉल इट इन 3 डिफरेंट फेजेस, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। फेच 2 टाइमिंग सिग्नल्स T0 एंड T1, डीकोड 1 टाइमिंग सिग्नल T2, एग्जीक्यूट 1 टाइमिंग सिग्नल T3। इसके बाद बाहर आ जाते हो आप, फिर से सीक्वेंस काउंटर को 0 पे सेट कर लेते हो और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से ऐसे 4-4 के सेट में वो टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करता चला जाता है। तो जैसे जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे IR में, वैसे वैसे वो डीकोड होके एग्जीक्यूट होके बाहर आते जाते हैं। याद रखिए यहां पर कंट्रोल यूनिट बहुत सिस्टमैटिक है, इट जनरेट्स कंट्रोल एज वेल एज टाइमिंग, बिकॉज इफ आई डोंट फिनिश एग्जीक्यूशन इन दैट टाइमिंग सिग्नल आई कैन नॉट होल्ड ऑन टू दैट यूनिट, आई हैव टू कम आउट, क्योंकि ये साइकिल है, मुझे उसको एडियर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए T3 पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो बाहर आ जाऊंगी, सीक्वेंस काउंटर 0 पे रीसेट हो जाएगा, अगला स्टार्ट होगा, मैं मेरा इंस्ट्रक्शन जो अनएग्जीक्यूटेड था वो फिर से लूप में आएगा टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो दैट इज द प्रोसेस दैट हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट फॉलोज।
अगर आपने मेरे सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं कंट्रोल यूनिट के थर्ड यूनिट के, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मानती हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर इस यूनिट को पढ़ने के लिए आप यूनिट को ही डिवाइड कर लीजिए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में। और जब हार्ड वायर्ड पढ़ोगे तो एवरीथिंग रिलेटेड टू एसपीओ पढ़ना, और माइक्रो प्रोग्राम्ड पढ़ोगे तो एवरीथिंग रिलेटेड टू जीआरओ पढ़ना। डिजाइन पढ़ना हार्ड वायर्ड का, उसका परफॉर्मेंस मतलब उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ना, माइक्रो प्रोग्राम्ड का डिजाइन पढ़ना और उसकी परफॉर्मेंस यानी उसकी एड्रेस सीक्वेंसिंग पढ़ना। दैट विल कंप्लीट द टोटल नॉलेज ऑफ कंट्रोल यूनिट डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट दो बल्कि इन डिजाइन इज वेरी सिस्टमैटिक। इट इज वेरी सिस्टमैटिक बिकॉज देयर इज नो लूप होल, आप कहीं अटक नहीं रहे हो, फेच कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, बाहर आ रहे हो। माइक्रो प्रोग्राम्ड में क्या है, माइक्रो प्रोग्राम्ड में मैं कंट्रोल वर्ड पे डिपेंडेंट हूं, कंट्रोल वर्ड माइक्रो प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है। माइक्रो प्रोग्राम गलत, कंट्रोल वर्ड गलत, कंट्रोल वर्ड गलत, माइक्रो इंस्ट्रक्शन गलत, माइक्रो इंस्ट्रक्शन गलत, एग्जीक्यूशन गलत। सो देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द कंट्रोल वर्ड, हियर नथिंग इज लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई इन टर्म्स ऑफ सिस्टमैटिकनेस आई विल रेट हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन 9/10, वेर एज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन 5/10। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिजाइन, दिस इज वेरी बल्की। ऑब्वियसली यहां पर डिकोडर्स यूज हो रहे हैं, काउंटर्स यूज हो रहे हैं, रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, जबकि वहां पर डिजाइन बहुत सिंपल है। सिर्फ एक सीएआर रजिस्टर चाहिए आपको, एक कंट्रोल मेमोरी चाहिए आपको, एक नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर चाहिए आपको, तो डिजाइन बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करूं कि देखिए अल्टीमेटली आपके मशीन का जो थ्रोपुट है मतलब उसकी परफॉर्मेंस है, चाहे आप डेस्कटॉप के कंप्यूटर्स पे बैठो, चाहे आप मोबाइल कंप्यूटर्स पे बैठो, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा यूजर्स प्रिफर करते हैं वो है फास्ट प्रोसेसर्स। फास्ट प्रोसेसर्स मतलब जल्दी एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे। जल्दी एग्जीक्यूट कब कर पाएंगे, जब उसको क्लैरिटी मिलती चली जाती है हर स्टेप पे कि उसको करना क्या है। तो एसपीओ प्रोसेसर्स में क्लैरिटी बहुत है, इसीलिए वो फास्ट बहुत है। जीआरओ प्रोसेसर्स क्लैरिटी डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल वर्ड अगेन बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हार्डवेयर। तो क्लैरिटी अगर वहां नहीं है माइक्रो प्रोग्राम्ड की तो वहां पे चीजें स्लो हो जाती हैं। एंड ऑलवेज इन कंप्यूटर साइंस देयर इज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। हर चीज एक प्लेटर में आपको मिले, डिजाइन भी परफॉर्मेंस भी, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, बट विच इज बिकमिंग अ रियालिटी इन टूडेज टाइम्स। बट इफ यू आर लर्निंग अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वी आर ट्राइंग टू लर्न वॉट आर्किटेक्चर्स एग्जिस्टेड, वॉट वी आर फॉलोइंग। तो ये आपका एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्मेंस है। तो इसको मैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहती हूँ। तो मैं दोबारा एक बार समराइज करना चाहूंगी, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के तीन फेजेस होते हैं, फेच फेज, डिकोड फेज एंड एग्जीक्यूट फेज। फेच फेज दो टाइमिंग सिग्नल लेता है, T0 और T1, डिकोड एक टाइमिंग सिग्नल लेता है T2, और एग्जीक्यूट एक टाइमिंग सिग्नल लेता है T3। फेच फेज में हम एड्रेस भी फेच करते हैं, उस एड्रेस पे बैठा हुआ इंस्ट्रक्शन भी फेच करते हैं। जैसा ही इंस्ट्रक्शन मिल जाता है हम डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को, कि पता चले कि ये किससे मिलता जुलता इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी से है, आईओ से है, रजिस्टर से है। फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हर एक के लिए हम टाइमिंग सिग्नल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। आशा करती हूं कि आपको दोनों की परफॉर्मेंस समझ आई होगी, माइक्रो प्रोग्राम्ड की भी और हार्ड वायर्ड की भी। अब जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट बता दूंगी, उसके बाद परफॉर्मेंस हार्ड वायर्ड की भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी प्लीज सीक्वेंस के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।